हाँ जी, तो क्या हाल है? आज हम देखने वाले हैं एक चुतिया लड़की की ओवरडोज चुतियापा। वैसे इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए लड़कियों को बस मुंह चलाना और मम्मी हिलाना अच्छे से आना चाहिए, बस फिर क्या, दे दो धड़ाधड़ वीडियो। इंस्टाग्राम पर बैठे हैं ना बेले ठरकी लौंडे, फेम क्या चीज है, रातों रात सुपरस्टार बना देंगे। पर हम जिस लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। वो चाहे टिकटॉक था, चाहे इंस्टाग्राम रील, वो मुंह चलाना था या फिर मम्मी हिलाना, वो पजामा खिसकाना था या टी शर्ट ऊपर उठाना, खैर स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है ना। सोफिया अंसारी और शशि पूनम से पहले टिकटॉक में चूर मचा रही थी हमारी जसनीत कौर मेम साहिबा जी, जो अभी कलियों से फूल में उभर कर बाहर आ रही है इंस्टाग्राम रील पर। तो चलो यार, लाल बटन दबाकर घंटा घंटी बजाकर फोन का आवाज कर लो स्लो और शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिसको भी पहुंचाया था मेरे दर्द, उसे माफी मांगू, शायद मैं था मैं खाने में डूबा शैतानों में, कैसा इंसानों में करता सवाल पहले खुद को तो जान। आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बड़े ही गौर और सूचित करना चाहना, साड़ी जसनीत कौर मेम साहिबा शहर जलंधर तो बिलोंग कर दिया। हुन साड़ियों कमेंट से जाके ना लिखो सनू भी मिलवा दे, मैं कोई दलाल नहीं हूँ बैंक चो। तो सबसे पहले मैडम का टैलेंट देखते हैं, कंटेंट तो बाद में भी देख लेंगे। और देखने के लिए तो लोंडे रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहते हैं। और भाई साहब, मैडम भी तनिक सना छोड़ रही अपने फैंस को खुश करने में, कभी चड्डी तो कभी बनियान का ब्रांड चेक करवाने के लिए हाजिर हो जाती हैं रील पर। वेल डन, वेल डन। हाय हाय हाय, क्या लाल पर, ये बस पंख की कमी है, नहीं तो सच में लाल परी धरती छोड़ देती बेंचो। अबे ये क्या, चुतिया परी तो खुले में ही हक दी, ये तो टट्टी है। अबे ये तो सच में टट्टी कंटेंट है। खैर हमें क्या है, इसी को अपना टैलेंट और स्ट्रगल कहते हैं। भाई बहुत स्ट्रगल किता मैं अपनी लाइफ च, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था, इस मैडम ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। नासा कंपनी वाले तो चूतिया है, जो रॉकेट से बंदों को मंगल ग्रह पर उतारना चाह रहे हैं। अजी मैडम की मेहनत देखकर तो लौंडे बाथरूम में घुसकर मंगल ग्रह वाली फीलिंग 4 मिनट में लेकर वापस धरती पर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना। खैर देखते हैं थोड़ा सा मैडम की स्ट्रगल। अबे सेंटी, क्या ये शीशे के सामने फोन को हाथ में पकड़कर टी शर्ट को ऊपर उठाकर इंस्टाग्राम रील पर ठरक फैलाना भी स्ट्रगल है? यस ऑलराइट ब्रो। अच्छा तो पजामा नीचे खिसकाकर पैंटी दिखाना भी स्ट्रगल होगा? हाँ क्यों नहीं, कलयुग के 8 से लेकर 14, 18 से लेकर 25 और 50 से लेकर 60 साल के सभी मनुष्य का ये भी मानना है। अबे चूतिये चुप कर, 4 दिन कंटेंट ढूंढने में, 2 दिन लिखने में, 1 दिन शूटिंग में, 4 दिन एडिटिंग में, उसके बाद जाके एक वीडियो बनती है। सबरी के तब भी तुम इसे स्ट्रगल मानने के लिए राजी नहीं रहे, मैं छोड़ रहा हूँ यूट्यूब बैंक चो। थोड़ा अपना टैलेंट दिखाओ, कुछ आप करो, दूसरे ने प्रमोट करने देना लगे रहा करो, है ना, थोड़ी जी अकल सीख लो। ना 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 ना, हम जो कर रहे हैं तो ना ही टैलेंट है और ना ही कंटेंट, हम तो अश्लील वीडियो प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। और दीदी की माने तो ये खुद की टैलेंट है इनकी। लेलो अकल दीदी से, अभी ये टैलेंट नहीं, लड़की होने का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। और चलो एक सेकंड के लिए अगर इसे टैलेंट मान भी लेते हैं तो लौंडे क्या दिखाएंगे? नहीं 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 नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कई यूट्यूब ते वीडियोस पा रहे हैं ना होस्ट रोस्ट कर, सो मेनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी तेरे शब्द अदल बदल रहे हैं, अगर इतना जिगरा होता तुम्हारे अंदर तो रातों रात फेमस होने के लिए कारनामे ना करती। रोस्ट और होस्ट में कोई अंतर ही नहीं नजर आ रहा, यही तो इल्जाम होते हैं सस्ते नशे के। खैर छोड़ो, देखते हैं कितनी प्रॉब्लम हुई मैडम की यूट्यूब में बजने के बाद। जेडे बकवास करते हैं मेरे प्रति, मेरा नाम ले ले के यूट्यूब ते फेम हासिल कर रहे हो। 2 मिनट में बदल गई। अबे बावली लड़की, सब कुछ दिखाने के बाद तुम्हें 4 अक्षर के गंदे कमेंट के सिवा कुछ नहीं मिला, तो तेरा नाम लेकर यूट्यूब में कैसे फेम हासिल कर रहे हैं लोग? नहीं अकल हैगी ना कमेंट करने की, तो लिखिया ना करो, 1-30 रुपए का नेटवर्क पा के एक सड़ा जा छोटा जा कमेंट ही ठोकना, तुसी गंदा जा
जो चार अखर होंगे मेरे पता मैं लेना नहीं चाहती ना ठीक याद रखोगे पेड़ की डाली पे बैठ के कटाई करोगे तो भोसड़ी के खुद भी गिरोगे ऐसा जलूस कढ़ना किसते वीडियो पानी भूल जाओगे होर दसो थोनू की चाहिए थोनू चंगी तरह फेम मैं दऊ हूं है ना होर ही होने यार जेड़े छत्तर खा गए यार मेरी लाइफ है पर्सनल लाइफ मैं कुछ मर्जी करा यार मेरी चॉइस है मैं कोई होर लोग है जेड़े छत्तर खा गए माफिया मांग लिया मैं कले कले दी बोल मारनी है टका मैं कोई होर लोग है जेड़े छत्तर खा गए माफिया मांग दी दीदी तेरे शब्द दल बदल रहे हैं लिप सिंक कर ले रील पे जाके स्पीच तुमसे ना होगा मिलियन भी नहीं हुए अभी टी शर्ट और ऊपर उठाने की लोड है मैं दिनी हूं तुम्हें एड्रेस आओ मिलो फिर मैं तुम्हें दस दी की बन दे गंद पाए फलाना धिमका है ना बकवास कर दे तीड़ा दुखी तिकी जी आ जाती है मुंह चाके 30 रुपए का नेट पैक हुआ के तो बस यार अंत में मैं यही कहूंगा ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी लेकिन फिर भी अगर इसे देखने के बाद किसी के दिल के ऊपर ठेस पहुंची है तो सबरी के नीचे देख के चला करो ऊपर देखोगे तो नीला आसमान ही नजर आएगा ना और हाँ कूड़े की जगह कूड़ेदान में ही होती है समझदार के लिए सारा काफी है अरे कहना क्या चाहते हो ये सुधरेंगे नहीं और हम इनको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यही टॉपिक तुम्हें ज्यादा पसंद आती है ना और भैया वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और नहीं पसंद आई है तो भी लाइक करो क्योंकि पूरे 7 दिन की मेहनत होती है भैया एक वीडियो बनाने में और हाँ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने हो सकता है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना तो मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बाय टेक केयर।